जय माता दी, जय माँ कामाख्या, कामाख्ये वरदे देवी नीलपत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि स्त्री की कोख कैसे बांधी जाती है, इसका भाग दो है। ये पहले एक भाग ऑडियो वीडियो के रूप में प्रसारित किया जा चुका है। जब कोई नया जोड़ा यानी विवाह करने के बाद में हनीमून के लिए किसी स्थान पर जाता है तो जिस होटल में वह ठहरते हैं उस होटल के कमरे में यदि किसी मनुष्य ने आत्महत्या की हो पहले कभी, या उसकी हत्या हो गई हो, या फांसी लगा करके कोई मर गया हो, या जहर खा करके मर गया हो, तो ऐसी आत्मा उस नए जोड़े पर लग जाती है और वही आत्मा स्त्री पुरुष के रूप में उनके ऊपर चिपक जाती है। और ऐसी आत्मा यदि पुरुष की रहती है तो औरत की कोख बांध देती है और वह पुरुष ही उस स्त्री के साथ सहवास करने लगता है और पति पत्नी में झगड़ा कराता है और नई नई गृहस्थी में आग लगाने का काम करता है और थोड़े दिन बाद दोनों अलग अलग रहने लगते हैं, क्योंकि स्त्री अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, कमाने लगती है और अलग होने में कोई परेशानी नहीं होती है। इस समय कोई कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता, पितृ देवता कोई भी सहायता नहीं करता, क्योंकि आप नकारात्मक ऊर्जा से जकड़ जाते हैं। तो यहां पर यदि आपने पत्रिका मिला करके विवाह किया है, दोनों के भाग्य में तलाक का कोई रोल नहीं है, अलग अलग होने का किसी प्रकार की संभावना नहीं है, मांगलिक अमांगलिक भी दोष नहीं है, काल सर्प दोष भी नहीं है और न ही वेधव्य का योग है, तो भी यदि अदृश्य शक्ति इस प्रकार से लग गई है तो दोनों में अलग अलग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो तुरंत इसका इलाज कराइए। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार में विवाह होने के तुरंत बाद में महीने दो महीने या तीन महीने में ही पति पत्नी में झगड़ा होने लगा हो, बेटा बहू में झगड़ा होने लगा हो, तो आप तुरंत समझ जाइए कोई न कोई ऊपरी बाधा उनके ऊपर लग गई है, इसका इलाज करवाइए। स्त्री में अहम की भावना पैदा हो जाती है और यदि स्त्री की आत्मा यदि वहां पे उस होटल के कमरे में किसी स्त्री ने हत्या की हो, यदि उसमें किसी स्त्री की हत्या हो गई हो, उसमें किसी स्त्री ने आत्महत्या कर ली हो, तो उसकी आत्मा उस पुरुष को लग जाती है और पुरुष के साथ वह स्त्री दूध छठ चतुर्दशी और अमावस्या को आकर के सहवास भी करती है और वही स्त्री पति पत्नी को अलग करने का काम करती है और इन नकारात्मक ऊर्जा का कार्य केवल घर परिवार को बर्बाद करना होता है, क्योंकि इनको क्लेश में, लड़ाई झगड़े में, अशांति में, दरिद्रता में, बीमारी में इन सब का वास होता है। तो यदि किसी नए नए पति पत्नी जैसे ही हनीमून से वापिस आते हैं और उसके बाद में झगड़ा होने लगता हो दोनों के बीच में, मन मुटाव होने लगता हो दोनों के बीच में, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं होता हो, तो आप समझ जाओ कि दोनों में से किसी न किसी के ऊपर कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा लग गई है, कोई न कोई जादू टोना हो गया हो, यह निश्चित है। हमारी परंपरा, मान्यता, रीति रिवाज में हनीमून जाने का नियम नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है, किसी पुराण में नहीं लिखा है, किसी भी वेद में नहीं लिखा है कि नए जोड़े को हनीमून पर जाना चाहिए।
ये हम वेस्टर्न कल्चर का पालन करते हैं जिसकी वजह से कष्ट की उत्पत्ति हो रही है। और आज हम देखते हैं कई होटलों में हत्या हो जाती है, कई होटलों में जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं और वही आत्मा ऐसे जोड़ों के साथ में चिपक करके घर परिवार को बर्बाद कर देती है। और इसी वजह से घर परिवार टूट रहे हैं और कभी कभी तो ये शक्तियां स्त्री के गर्भ में जाकर के बैठ जाती है और उसके बच्चे पैदा नहीं होने देती है और गर्भ में ही बहुत से बच्चे मर जाते हैं। यदि नई दुल्हन हल्दी लगी हुई हो, मेहंदी लगी हुई हो, तेल लगी हुई हो, दुल्हन मधुमास यानी हनीमून पर रहते हैं, समय मासिक धर्म से हो जाए, एमसी पीरियड से हो जाए या रजस्वला से हो जाए या अशुद्ध हो जाए, तब भी उस पर भूत प्रेत लगने की संभावना अधिक होती है और उसकी कोख बांध दी जाती है। इसलिए जब तक हल्दी उतर न जाए, मेहंदी का रंग फीका न हो जाए, तेल उपटन शरीर से निकल न जाए, उसके बाद ही हनीमून पर जाना चाहिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और यदि कोई स्त्री, यदि कोई दुल्हन फेरे लेते समय मासिक धर्म से हो या फेरे लेते समय मासिक धर्म से हो जाए, तो उसकी जिंदगी तो ये मान के चले कष्ट और परेशानी दुख दरिद्रता में ही गुजरेगी, यह निश्चित है, क्योंकि यह सबसे बड़ा अपशकुन होता है। उसकी जिंदगी में शायद वंश वृद्धि भी नहीं हो और होगी तो लड़कियां ही उत्पन्न होगी, उनको पानी पिलाने वाला पैदा नहीं होगा। यदि कोई स्त्री का बार बार गर्भ गिरने से भी बच्चे नहीं टिकते हैं, क्योंकि वह बच्चा जो गर्भ में मर गया वह प्रेत बनकर दूसरों को गर्भ में नहीं आने देता है, यानी जिस स्त्री का गर्भ बार बार गिरता हो, बच्चे में जान आने के बाद में, तो वह बच्चा जिसकी जान गर्भ में आ चुकी थी और उसका गर्भपात हो गया या गर्भपात करा दिया गया, तो वह बच्चा प्रेत बन करके उस स्त्री के गर्भ में किसी दूसरे बच्चे को नहीं आने देता है और वही खब्बीस का काम करने लगता है, वही कलवा वीर का काम करने लगता है। तो ऐसे दुल्हे दुल्हन को या ऐसे स्त्री पुरुष को, ऐसे पति पत्नी को उस प्रेत आत्मा की शांति के लिए जब तक पूजा नहीं कराओगे, वह गर्भ के अंदर बच्चे को नहीं आने देती है। और रहस्यमय बात कि स्त्री का गर्भ क्यों नहीं ठहरता, जितने भी मैं आपको कारण बता रहा हूं, ये सब कारण मेरे समक्ष आ चुके हैं, क्योंकि मैं इन सब का इलाज करता हूं। तो यह सब जो आपको उदाहरण दिए जा रहे हैं, ये सब प्रैक्टिकल ज्ञान पर आधारित है, किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। यदि कोई स्त्री, यदि कोई कन्या किसी दुजवर से विवाह करती है, दुजवर यानी जिस पुरुष की पहले वाली पत्नी मर चुकी हो, उस पुरुष से विवाह करती है, तो उस पुरुष की पहले वाली पत्नी की अतृप्त आत्मा दूसरी पत्नी के गर्भ में बच्चे को नहीं आने देती है। इसलिए ऐसा विवाह जब भी किया जाए तो बहुत सोच समझ करके विवाह करना चाहिए कि अब गर्भ में बच्चा नहीं आएगा, या फिर जो पहले वाली पत्नी मर चुकी है उसकी आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा करा ली गई हो, नारायण बलि करा ली गई हो, और उसके जितने भी सामान होते हैं वह सब सामान का दान दे दिया गया हो, तो वह आत्मा उस पुरुष को छोड़ देती है, उस घर परिवार को छोड़ देती है, उसका नया जन्म के लिए प्रस्थान हो जाता है। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह पहली पत्नी जो मर चुकी है
चाहे वो बीमारी से मरी हो, चाहे वो आत्महत्या करके मरी हो, चाहे उसकी हत्या हो गई हो, कैसे भी हो, वह अतृप्त आत्मा है, वह दूसरी पत्नी के गर्भ में बच्चे को नहीं आने देती है। और जिस घर में अवधूत की पूजा होती हो, अवधूत यानी ऐसा मनुष्य जिसने अपने जीवन में विवाह नहीं किया और उसकी मौत हो गई, उसका कोई परिवार नहीं था, तो बहुत से शहरों में, बहुत से गांव में मैं देखता हूं अवधूतों की पूजा होती है। तो अवधूत यानी प्रेत है, यदि आपने उनको बिठा के रखा, उनकी पूजा देते हो, और यदि उसकी पूजा नहीं की, तो वह अवधूत भी स्त्री के गर्भ में बच्चे को नहीं आने देता है। मैं तो कहता हूं प्रेतों की पूजा घर में नहीं होना चाहिए, चाहे वो अवधूत ही क्यों ना हो, चाहे वो वीर ही क्यों ना हो, चाहे वो सती ही क्यों ना हो, चाहे वो पीर क्यों ना हो, चाहे वह जिन जिन्नाद ही क्यों ना हो। मैं देखता हूं बहुत से जगहों पर, कहीं कहीं पर विवाह के बाद में बकरे की बलि दी जाती है, मुर्गे की बकरी दी जाती है, बकरी की बलि दी जाती है, और यहां तक कि सुअर की भी बलि देने का विधान है। और किसी किसी समाज में विवाह होने के बाद में बकरे बकरी दोनों को एक साथ बलि दी जाती है, और यदि यह विवाह होने के बाद में उस देवी देवताओं को यह बलि नहीं दी गई, तो वह देवी देवता भी उस नई दुल्हन के गर्भ में बच्चे नहीं आने देते हैं। इसलिए आप अपनी परंपरा जो हो, जो मान्यता हो, जो रीति रिवाज हो, उसका पालन अवश्य करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। आजकल की युवा पीढ़ी पढ़ने लिखने सर्विस करने के लिए बाहर चली जाती है, और विवाह होने के बाद में वो इस प्रकार का पूजन कर्म नहीं करते हैं जो उनकी परंपरा अनुसार चली आ रही है, तो भी दुल्हन के गर्भ में बच्चा नहीं आता है। यह सब सत्य घटना पर आधारित है, उनको आधार मान करके ही आपको बताया जा रहा है, कोई किताब या इसका कोई साक्ष्य नहीं है, यह अनुभव पर आधारित है। मानना या नहीं मानना आपके ज्ञान और स्वविवेक पर निर्भर करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभ्रतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देवियं सर कामार सिद्धये। मां जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंड मंड नाशिनी रक्त बीज विनाशिनी धूम्र लोचन सनंद्री महामाया कामाख्या। आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, समृद्धि प्रदान दे, ऐसी हम मां कामाख्या से प्रार्थना करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।